वेलकम गाइस केमिस्ट्री ऑन टिप्स क्लासेस में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर मीनाक्षी गर्ग आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सुपरा मॉलिकुलर केमिस्ट्री सुपरा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों के उत्तर आपके फिंगर टिप्स पर होंगे ध्यान से वीडियो देखिए समझिए और एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करिए तो चलिए आइए पढ़ते हैं सुपरा मॉलिक्यूल्स सुपरा मॉलिक्यूल्स की खोज सबसे पहले डोनाल्ड जे ग्रैम चार्ल्स जे पैडरसन और जीन मेरी लेहन ने की थी 1987 में और उसको इस काम के लिए केमिस्ट्री का नोबल प्राइज दिया गया था सुप्रामिकुलर केमिस्ट्री इज़ बेसिकली अ होस्ट एंड गैस केमिस्ट्री इसमें एक होस्ट मॉलिक्यूल होता है एक गैस मॉलिक्यूल होता है और इन दोनों के बीच में वीक डायरेक्शनल फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम नॉन कोवेलेंट बोंड कह सकते हैं ये जो नॉन कोवेलेंट बोंड होते हैं उनमें आते हैं हाइड्रोजन बोंड वॉन्डरबुल बोंड हाइड्रोफॉबिक फोर्सेज हाइड्रोफिलिक फोर्सेज पाई बोंड इंटरैक्शंस ये दुर्बल प्रकृति के बंद होते हैं तो सुपरा मॉलिक्यूल्स की अगर हम एक व्यवस्थित परिभाषा देना चाहें तो वो इस तरह से होगी वैन एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक डायरेक्शनल फोर्सेस और नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग्स दे फॉर्म्ड अ मॉलिक्यूल नोन एज सुपरा मॉलिक्यूल्स सुप्रा मॉलिक्यूल्स में होस्ट मॉलिक्यूल हमेशा सिंथेटिक साइक्लिक कंपाउंड होगा लार्ज होगा लुइस बेस होगा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होगा गैस्ट मॉलिक्यूल हमेशा स्मॉल कैटायंस होंगे वो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप कैटायंस होंगे वो लुइस एसिड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर हम सुप्रा मॉलिक्यूल्स को समझना चाहें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा तो एक कॉम्प्लेक्स संकुल अणु का निर्माण होता है जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं अभिक्रिया की समाप्ति के बाद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है यहाँ यह बात ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एंजाइम अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है एंजाइम सिर्फ रिएक्शन रेट या अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है ये सबस्ट्रेट की सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करता है या सबस्ट्रेट की संक्रमण अवस्था तक पहुंचने में मदद करता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है और बहुत ही कम समय में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल जाता है इसीलिए एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं सुप्रा मॉलिक्यूल्स के और दूसरे उदाहरण हैं क्राउन ईथर्स क्रिप्टेंस रोटेक्जेंस, स्फीरेंस, कैटिनस फुल्रीन्स गैस हाइड्रेट्स और क्लैथ्रेड कंपाउंड्स। तो इस आज के टॉपिक सुपरा मोलिक्यूल्स में सबसे पहले हमने पढ़ा कि सुपरा मोलिकुलर केमिस्ट्री होस्ट एंड गैस केमिस्ट्री है नॉन कोवेलेंट टाइप की इसमें बॉन्डिंग होती है होस्ट और गैस मालिक्यूल लार्ज और स्मॉल कैटायंस होते हैं एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स के अलावा ये एग्जाम्पल्स और हैं जो सुपरा मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सुपरा मॉलिक्यूल्स सुपरा मॉलिक्यूल्स की एप्लीकेशंस में सबसे पहले मेडिकल सेक्टर में ड्रग डिलीवरी और मोलिकुलर इमेजिंग टेक्निक में इसका यूज होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में केमिकल सेंसर के रूप में इसका यूज होता है साथ में मेटल एक्सट्रैक्शन में भी सुपरा मॉलिक्यूल्स का यूज होता है ओर्स और न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं नाभिकीय अपशिष्ट उत्पाद जिनको हम बोलते हैं उन नाभिकीय अपशिष्ट उत्पादों में से महंगी धातुओं के पृथककरण में सुपरा मॉलिक्यूल्स का यूज होगा मॉलिक्यूल्स आर वाइडली यूज एज अ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट अवस्था परिवर्तक उत्प्रेरक के रूप में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है जैसे कि आप सभी जानते हैं एक थ्योरम है लाइक डिजोल्व्स लाइक समान समान को घोलता है और इसके अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कार्बनिक विलायक सिर्फ कार्बनिक अणुओं को ही घोलता है लेकिन मॉलिक्यूल्स की मदद से इनऑर्गेनिक आयंस को भी कार्बनिक विलायकों में घोला जा सकता है और इस उत्प्रेरक का उपयोग करके बहुत सी सिंथेटिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस संपन्न कराई जा सकती है मॉलिक्यूल्स का थर्ड एप्लीकेशन है आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेटल आयंस। क्योंकि हमने पढ़ा मॉलिक्यूल होस्ट और गैस केमिस्ट्री है गैस्ट मेटल आयन होते हैं जो होस्ट मॉलिक्यूल की कैविटी के अंदर ट्रैप होते हैं इसीलिए इनका यूज मेटल आयन के पृथककरण और उनके क्रिस्टलीकरण में भी इनका उपयोग होता है चूंकि सुपरा मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के मान को या सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करती है साथ में सबस्ट्रेट की जो संक्रमण अवस्था होती है उसको बहुत ही कम समय में ला देती है तो नॉन कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है वो दुर्बल प्रकार के बंधन इनमें होते हैं ना तो बंध बनने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ना ही बंध टूटने में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है तो ये हमने फोर एप्लीकेशन पढ़ी जो एप्लीकेशंस थी सुप्रा मोलिक्यूल्स की अब हम पढ़ने वाले हैं क्राउन ईथर्स सुप्रामिक्यूल्स का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है क्राउन ईथर्स अब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं वोट आर क्राउन ईथर्स सबसे पहले क्राउन ईथर्स की खोज की थी चार्ल्स जे पेडरसन ने 1967 में उन्नीस में पेडरसन ने क्राउन ईथर की खोज की लेकिन उसे केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 1987 में मिला अलोंग विद डोनाल्ड जे क्रैम एंड जीन मैरी लहन के साथ में क्राउन ईथर्स क्या होते हैं ये एक लिगेंड होते हैं जिन्हें हम होस्ट मॉलिक्यूल कहते हैं और जब ये होस्ट मॉलिक्यूल किसी मेटल आयन के साथ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधते हैं तब ये सुप्रा मॉलिक्यूल कहलाएंगे हम जो बात कर रहे हैं क्राउन ईथर्स आर होस्ट मॉलिक्यूल्स एंड मेटल आयन्स दे आर गेस्ट मॉलिक्यूल और जब इन दोनों के बीच में वीक फोर्स यानी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब हम इसको नाम देंगे सुप्रा मॉलिक्यूल का क्राउन ईथर बिकॉज ऑफ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सुलर कॉम्प्लेक्स सुप्रा मॉलिक्यूल का जो कैप्सुलर कॉम्प्लेक्स होता है उसका क्राउन शेप होने के कारण इसका नाम दिया गया क्राउन ईथर चार्ल्स जे पैडरसन ने विलियमसन ईथरीकरण विधि के द्वारा क्राउन ईथर्स को बनाया क्राउन ईथर में ऑक्सीजन की एक रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में दो सी एच टू मॉलिक्यूल बाउंडेड होते हैं ये क्राउन ईथर एक लिगेंड है जो मेटल आयन के साथ मिलकर के सुपरा मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा अब हम इसकी सिंथेसिस पढ़ते हैं कि किस तरह से क्राउन ईथर्स को बनाया जाता है सिंथेसिस ऑफ क्राउन ईथर द फर्स्ट वन सिंथेसिस ऑफ क्राउड ईथर इट इज दो कैटिकोल यूनिट्स को जब दो बिस्क्लोरो के साथ में किसी बेस की प्रेजेंस सच एज एन एओ की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो डाई बेंजो एटीन क्राउन बनता है। चार्ल्स एडरसन ने विलियमसन ईथरीकरण विधि के द्वारा दो कैटिकोल यूनिट और दो बिस क्लोरो एथिल के साथ शार की उपस्थिति में डाई बेंजो एन क्राउन सिक्स को बनाया तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होती है दिस इज कैटिकोल दिस इज क्लोरो एथिल ईथर एंड दिस इज अगेन दिस इज अगेन कैटिकोल फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो कैटिकोल के मॉलिक्यूल बनाए हैं मैंने यहाँ पर दो बिस क्लोरो एथिल ईथर बनाया है शार की उपस्थिति है एन की उपस्थिति है और बनने वाला स्ट्रक्चर होगा डाई बेंजो एटीन क्राउन सिक्स ये किस तरह से बनेगा हमने दो बैंजिन रिंग यहाँ पर बनाई और हमें चूंकि क्राउन सिक्स इसका नाम है छह ऑक्सीजन परमाणु बनाने हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये सिक्स ऑक्सीजन एटम्स हैं जो ईथरिक रिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए होंगे इस स्ट्रक्चर का नाम है एटीन क्राउन सिक्स इट इज डाई बेंजो दो एटीन क्राउन सिक्स का नाम है तो ये थी क्राउन ईथर को बनाने की विधि अब हम पढ़ते हैं क्राउन ईथर की एप्लीकेशन वॉट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्राउन ईथर द फर्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ क्राउन ईथर जैसा हमने सुपरा मॉलिक्यूल्स के केस में पढ़ा इट में एक्ट एज अ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट अवस्था परिवर्तक उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है 18 क्राउन सिक्स में छः ऑक्सीजन एटम है और छः के छः जो ऑक्सीजन एटम है वो डोनर एटम है जो कि किसी मेटल आयन के साथ मिल करके सुपरा मॉलिक्यूल बनाएंगे यहाँ हमने पढ़ा फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट हमें अच्छे से पता है के एम एन ओ फोर का जो नाम है इट इज़ नोन एज पोटेशियम पर मैगनेट इसको हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को जब पानी में घोला जाता है तो ये घुल कर के पर्पल कलर का सोल्यूशन बनाता है लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड ऑन द कंट्रेरी अगर कैमेनोफोर को बेंजीन में घोला जाए तो बेंजीन में कैमेनोफोर नहीं घुलता है उसके क्रिस्टल्स बेंजीन में एज इट इज़ रहते हैं बट विद हेल्प ऑफ ग्राउंड ईथर वन कैन डिजोल्व के एमेनोफोर इन टू बेंजीन अगर यहाँ पर हम एडिशन ग्राउंड ईथर को ले ले तो बेंजीन जो है वो के को घोल लेगा तब जो बेंजीन होगी उसका नाम होगा पर्पल बेंजीन इस पर्पल बेंजीन का यूज़ बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन प्रक्रियाओं को संपन्न करने में कराया जाता है कैसे हम अच्छे से जानते हैं कैमेनोफोर एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक है लेकिन चूंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता है इस वजह से इसका यूज़ बहुत ही कम होता था बट ड्यू टू द हेल्प ऑफ क्राउन ईथर एज अ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट इसने क्राउन ईथर ने कैमेनोफोर को बेंजीन में घोलने में मदद करी अब बेंजीन की जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी उसमें कैमेनोफोर का यूज किया जा सकता है तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने क्राउन ईथर का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा एज अ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट क्राउन ईथर का दूसरा एप्लीकेशन पार्ट है इट इज यूज फॉर द डेटर्मिनेशन ऑफ गोल्ड इन जियोलॉजिकल सैंपल्स जियोलॉजिकल सैंपल्स में भी इनका यूज़ होता है गोल्ड के डेटर्मिनेशन में क्योंकि गोल्ड एक मेटल है और क्राउन एक मेटल को ट्रैप कर लेता है कैविटी में सो इट इज़ यूज टू बाउंड अ मेटल आयन इन द कैविटी सो इट इज़ यूज फॉर द डेटर्मिनेशन ऑफ गोल्ड इन जियोलॉजिकल सैंपल्स साथ में इसका अनादर एप्लीकेशन पार्ट है इट मे यूज फॉर आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेटल आयन आइसोलेशन और मेटल आयन के क्रिस्टलाइजेशन में भी इसका यूज होता है अब हम पढ़ेंगे क्राउन ईथर के दूसरे एग्जाम्पल्स लेट सी यहां पर हम क्राउन ईथर्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं फिफ्टीन क्राउन फाइव एटीन क्राउन सिक्स एंड ट्वेंटी वन 7 सेवन जो रेस्पेक्टिवली सोडियम आयन को ट्रैप करते हैं पोटेशियम आयन को ट्रैप करते हैं एंड सीजियम आयन को ट्रैप करते हैं क्राउन ईथर लिगेंड है आयंस यहाँ गैस्ट मॉलिक्यूल है होस्ट और गैस्ट के बीच में जब नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी सुप्रा मॉलिक्यूल बनेगा और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा किस तरह से ट्रैपिंग प्रोसेस होगा ये हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं फिफ्टीन क्राउन फाइव हमें ऑक्सीजन एटम बनाने हैं पाँच दिस इज फाइव ऑक्सीजन ऐटम हमें इन ऑक्सीजन ऐटम के बीच में बोट शेप स्ट्रक्चर बनानी है लाइक like दैट ये हमने बोट शेप स्ट्रक्चर बनाई दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिफ्टीन क्राउंड फाइव इस पूरी संरचना में पंद्रह परमाणु है और पांच ऑक्सीजन परमाणु है इसीलिए इसका नाम हुआ फिफ्टीन क्राउन फाइव इसी तरह से एटीन क्राउंड सिक्स और ट्वेंटी वन क्राउंड सेवन का स्ट्रक्चर बनेगा ये किस तरह से सोडियम आयन को ट्रैप करता है आइए हम देखते हैं दिस इज सोडियम आयन और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से यहाँ पर सोडियम आयन के साथ में बोंड बनाता है अब ये जो अणु या ये जो कॉम्प्लेक्स बना अब इसे हम कह सकते हैं दिस इज अपरा मॉलिक्यूल एंड द वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट हमने भी जो एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा एप्लीकेशन पार्ट में हमने पढ़ा इसका उपयोग फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में आप यहाँ देखिए ये जो क्राउन ईथर का आउटर मोस्ट एरिया है इट इज नॉन पोलर ये नॉन पोलर पार्ट है यहां ये बेंजीन में घुलेगा यहां सोडियम आयन की मदद से ऑक्सीडेशन प्रोसेस को संपन्न कराएगा दिस इज सुपरा मॉलिक्यूल दिस इज क्राउन ईथर दैट इज होस्ट दिस इज गैस एंड दिस इज द वीक डायरेक्शनल फोर्सेस एंड ओवरऑल इट इज नोन एज अ सुपरा मॉलिक्यूल अब हम पढ़ते हैं क्रिप्टेंस नाउ हम पढ़ते हैं क्रिप्टेंट्स वॉट आर क्रिप्टेंट्स दे आर ऑल्सो सुप्रा मॉलिक्यूल क्रिप्टेंट इज लिगेंड दैट इज अ होस्ट मॉलिक्यूल एंड वैन इट बाइंड विद मेटल आयन दैट इज गैस मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स क्रिप्ट दैट इज नॉन एज अ सुप्रा मॉलिक्यूल ये क्रिप्टेट का हमने शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा है दैट इज क्रिप्ट टू 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 हम क्रिप्टेंड के पहले एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे फिर उसके बारे में हम बात करेंगे ये इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बना रही हूँ आप अपनी प्रैक्टिस अपनी कॉपी में करिए इसको देखिए बहुत ईजी है स्ट्रक्चर बनाना सिर्फ ध्यान से देखिए क्रिप्टेंड में दो नाइट्रोजन एटम को हमें ब्रिज हेड पोजीशन पर लिखना है अपर एंड पर दो ऑक्सीजन एटम मिडिल एंड पर दो ऑक्सीजन एटम लोअर एंड पर हमने दो ऑक्सीजन एटम हमने लिखे अब हमें इन सब के बीच में इथरिक रिंग बनानी है लाइक दैट बोट शेप स्ट्रक्चर आप देखिए मेरे साथ साथ और इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है आपको इथरिक रिंग बनानी है बीच वाले ऑक्सीजन एटम के लिए आप जेड वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं दिस इज दैट इज दिस इज द कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्ट टू 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 चूंकि ये एक लिगेंड है जिसका नाम है क्रिप्टेंट यहाँ ब्रैकेट में टू 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 ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है दैट इज दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन अब हम बात करते हैं क्रिप्टेंड क्या होते हैं क्रिप्टेंड मैक्रो बाईसाइक्लिक या मैक्रोट्राइसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एटम दो ब्रिज हेड पोजिशन पर होते हैं और चक्रीय संरचना में इथरिक ऑक्सीजन परमाणुओं की एक रिंग होती है जो द्विचक्रीय या त्रिचक्रीय संरचना बनाती है ड्यू टू द

टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स पूरी वलय संरचना में छब्बीस परमाणु है सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लोकेट करेंगे ऑक्सीजन नंबर फोर पर है नंबर सेवन पर है ऑक्सीजन नंबर थर्टीन पर है ऑक्सीजन नंबर सिक्सटीन पर है ट्वेंटी वन नंबर पे है और ट्वेंटी फोर नंबर पे है अब हम ऑक्सीजन की पोजिशन लिखते हैं दैट इज़ फोर सेवन थर्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फोर ऑक्सीजन है, है छः इसीलिए हमने नाम दिया हैग्जा चूँकि ऑक्सीजन का आई नाम है ओक्जा हमने लिखा दैन नाइट्रोजन की पोजीशन नाइट्रोजन है एक नंबर पे नाइट्रोजन है दस नंबर पे हम इसे लिखेंगे वन टैन चूंकि दो नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन का आई नाम होगा एजा इट इज वन टैन डाई एजा चूंकि यहाँ पर दो साइकिल बनी हुई है दो रिंग बनी हुई है इसको हम नाम देंगे बाई साइक्लो ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर ऊपर वाली रिंग में आठ परमाणु हैं, इस वाली रिंग में आठ परमाणु हैं और नीचे वाली रिंग में आठ परमाणु हैं, इसीलिए हम यहां नाम लिखेंगे एट 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 और लास्ट में ये हम लिखेंगे हेग्जा कोशेन एलिफेटिक हाइड्रोपा का जब हम नॉमिन करते हैं तो इस तरह से करते हैं मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन C1, C2, C3, C4 और C5 कार्बन एटम के लिए यही सीरीज़ जब हम आगे की तरफ इलोंगेट करते हैं और हम C26 तक जब हम पहुंचते हैं तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हम नाम देते हैं दैट इज़ हेग्जा कोसीन तो इसका आई नाम लिखना भी बहुत इजी है इस स्ट्रक्चर को बनाना भी बहुत इजी है इस स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्रिप्ट टू 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 यहाँ टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है अपर लाइन में दो मिडल लाइन में दो और लोअर लाइन में दो ऑक्सीजन एटम की वजह से इसका नाम है क्रिप्ट टू 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 इसी तरह से हम क्रिप्ट टू वन वन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ये आपका एक होमवर्क होगा क्रिप्ट टू वन वन के लिए आप घर पे बनाइए और प्रैक्टिस करिए कि किस तरह से क्रिप्ट टू वन वन को बनाया जाता है नाउ द सिंथेसिस ऑफ क्रिप्टन क्रिप्टेंट को बनाने की विधि इट इज अ वन स्टेप साइक्लाइजेशन प्रोसेस ऑफ वन एट डाई डाईओग्जा ऑक्टेन क्रिप्टेंट को एक पद में वन एट डाई डाईओग्जा ऑक्टेन की मदद से बनाया जाता है साथ में द सेकेंड वन प्रोसेस इज इट इज अ वन स्टेप साइक्लाइजेशन प्रोसेस ऑफ डाईक्लोरोपिरीडीन विद ट्राई इथेनॉल अमीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर के क्रिप्टेंड एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव मैथड क्रिप्टेंट को बनाने की विधि बहुत ही महंगी है इसको बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और क्रिप्टेंट को जीन मेरी लहर ने एक या दो प्रोसेस में वन स्टेप साइक्लाइजेशन मेथड के द्वारा बनाया वन एट डाईक्लोरोस डाईक् ऑक्टेन और इसके अमीन डेरेवेटिव के साथ में और वन स्टेप साइक्लाइजेशन प्रोसेस ऑफ डाईक्लोरोथीन एथीन विद टेट्रा विद ट्राई इथेनॉल अमीन के साथ में अब हम यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्रिप्टेंट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्रिप्टेंट क्रिप्टेंट्स को फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के जैसे भी काम में लिया जा सकता है जो हमने सुप्रा मॉलिक्यूल्स और क्राउन क्राउनिखर में भी पढ़ा क्रिप्टेंस का यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टिन नाइन फोर माइनर्स के रूप में क्रिप्टेंट्स का यूज होता है एल्कलाइड्स alk और इलेक्ट्राइड्स के सिंथेसिस में वाटर इलेक्ट्राइड्स एंड वाटर एल्कलाइड्स सोडियम एनायन इज नोन एज अल्कलाइड एंड इलेक्ट्राइड्स आर आइनिक कम्पाउंड दैट हैव इलेक्ट्रॉन एज एन एनायन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन कार्बीन फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है इसके एप्लीकेशन पार्ट में वो सब चीज़ें शामिल है जो हमने सुपरा मोलिक्यूल्स और क्राउन ईथर्स में पढ़ी थी तो दोस्तों आज हमने टिप्स पर पढ़े सुपरा मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन उनके एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स क्राउनिथर्स और क्रिप्टेंस के बारे में इन पॉइंट्स पौ, को दोहराइए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए जो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफाई करेगा ये था पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री में आप सुपरा मॉलिक्यूल्स के और वीडियो देख सकते हैं तो कीप कीप लर्निंग गाइज टिल देन गुड बाय